आपका मैं गुजरात की धरती पर और विशेषकर आज राजभवन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आपके आगमन की सूचना मिली और उसके साथ ही आदरणीय सौमित्र त्रिवेदी जी से जानकारी मिली कि वो आप सब किसानों की भलाई के लिए जिन एफपीओ का उन्होंने निर्माण किया और मूंगफली के क्षेत्र में उड़ीसा अन्य प्रदेशों से पीछे ना रहे, इस उद्देश्य को लेकर आपका ये प्रतिनिधिमंडल गुजरात में आया है और आदरणीय पुरी साहब ने हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने आपकी इस यात्रा की सुखद अनुभूति के लिए व्यवस्था की है और आप लगभग कई क्षेत्रों में भ्रमण करके आए हैं और मैं समझता हूं कि मूंगफली के क्षेत्र में पूरे देश में गुजरात का एक अपना स्थान है और आपका जलवायु उड़ीसा का और वहां की भूमि वो इस बात के लिए तैयार है कि यदि आप मूंगफली का क्षेत्र बढ़ाएंगे तो आप इसमें बहुत लाभ कमा सकते हैं। जिस तरह से त्रिवेदी जी ने आपके साथ लगातार रह करके और गुजरात के किसानों के साथ आपको मिलाया, कुछ फार्म भी आपको दिखाए हैं। रतिलाल भाई के फार्म में गए थे ना, हरिदास भाई, तो कैसा लगा आपको? पूरा प्राकृतिक खेती थी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने प्रदेश में जाकर मूंगफली के क्षेत्र को खूब बढ़ाओ, दूसरी जो खेती उसको भी बढ़ाओ, लेकिन वो सारी की सारी प्राकृतिक खेती होनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए। उसका लाभ क्या मिलेगा आपको कि नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में आपका जो खर्चा है वो शून्य हो जाएगा और उत्पादन उसमें कम होगा नहीं। जब आपका खर्चा कम हो जाएगा, उत्पादन कम नहीं होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन कि भारत के किसान की आय डबल होनी चाहिए, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में कुछ भाई बहन है जो उड़ीसा में भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके अनुभव ठीक है ना, घाटा तो नहीं पड़ता, आपको अच्छा मिलता है। जीवामृत, घन जीवामृत ये बनाते हो ना, तो ये जीवाणु की खेती, जितना धरती में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा उतनी ही भूमि माता शस्य श्यामला बनेगी, उपजाऊ बनेगी और यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड उन जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। इसलिए जितना आप यूरिया डीएपी का प्रयोग करोगे उतनी ही आपकी धरती बंजर बनेगी, बिन उपजाऊ बने, बर्बाद होगी। और परसों रात को मैं आज तक टीवी चैनल का रात को एक कार्यक्रम आता हुआ सुन रहा था, तो अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है कि मां का दूध बालक के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उसमें पेस्टिसाइड पाए गए, मां के दूध में पेस्टिसाइड मिले हैं, परसों रात की आज तक की रिपोर्ट थी। और उसमें कहा कि इससे बच्चों का ब्रेन कमजोर हो रहा है और डिप्रेस, मतलब उनका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं रहेगा, वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं पैदा होंगे, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, पैनक्रियास फेल, हार्ट अटैक, इनकी किडनी खराब, इन सब के पीछे अंधाधुंध यूरिया डीएपी कीटनाशक का प्रयोग है। इसलिए हमने तो गुजरात में अभियान छेड़ दिया है, प्रदेश सरकार का सहयोग है,
और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी जो बजट आया इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य लिया और उसके लिए बहुत बड़ा फंड निश्चित धन निश्चित किया, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यदि आपकी खेती चाहे मूंगफली की हो, दूसरी हो, जो भी खेती आप करते हैं, उस खेत को आप प्राकृतिक खेती में बदलने का काम करें, उससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी की गुणवत्ता भी बचेगी, उससे आपकी धरती भी बंजर होने से बचेगी, गौ माता का पालन होगा, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, भारत का अरबों रुपया विदेशों में यूरिया डीएपी को खरीद कर लाने के लिए लगता वो बचेगा, वो भारत के विकास में काम आएगा और आप लोगों की आय भी बढ़ेगी। तो इसमें जो आपके किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं, आप एक समूह में चल रहे हैं, तो इन पे विचार आपने सुनने चाहिए कि कैसे खेती को करते हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे आप सब जितने किसान मेरे विचार से लाए गए हैं, त्रिवेदी जी छांट के लाए होंगे सबको, जो प्रबुद्ध है, जो बहुत मेधावी हैं और प्रगतिशील किसान आप में। तो आप इतने 70-80 लोग यदि अपने अपने खेत में प्राकृतिक खेती का मॉडल खड़ा कर दें, तो बाकी कितने किसानों को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। आज अभी आपके बाद हमारी एक मीटिंग होने वाली है, माने हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब पुरी साहब बैठे हैं, संजीविया साहब, और हमारे जो कोर कमेटी हमारी और हमारी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स भी आ चुके हैं। अभी हमारी मीटिंग होने वाली है और हमने लक्ष्य बनाया है, प्रधानमंत्री जी एक बार यहाँ आए, उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल देश को आजाद हुए हुए, तो 75 साल के आजादी के अमृत महोत्सव पर गुजरात की एक भी पंचायत ऐसी ना बचे जिसमें कम से कम 75 किसान प्राकृतिक खेती करने वाले ना हो। हमने लक्ष्य ले लिया है और हमारा लक्ष्य है अगले 15 अगस्त तक, जब तक आजादी का अमृत महोत्सव चलेगा, गुजरात की प्रत्येक पंचायत में हम 75 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य लेके चले। तो आज आप त्रिवेदी जी के नेतृत्व में आए हो, आपका लोग जो अधिकारी हैं, आप भी एक लक्ष्य बना करके चले, और जहां जिन क्षेत्र में उड़ीसा हिंदी को समझते, मैं जो बोल रहा मेरी बात समझ में आ रही है, तो ऐसी मेरी हिंदी को जो समझते हो, तो मैं त्रिवेदी जी को कहूंगा आप वहां किसानों का एक सम्मेलन बुलाओ और मैं उसमें आऊंगा। मैं आऊंगा और प्राकृतिक खेती का 1-1.5 घंटे का एक बहुत बढ़िया प्रशिक्षण वर्ग उसमें चलेगा, खूब तेजी से उसमें बढ़ सके। आप में ही हम ट्रेनर बनाएंगे। अब हमने एक लक्ष्य बना लिया है, कम से कम 500 ट्रेनर हम गुजरात में खड़े कर रहे हैं किसानों के बीच, जो किसान अपने खेत में मॉडल बनाएगा और अपने पास के 10-20 गांव को जोड़ेगा। और हमने एक स्कीम बनाई है अपने पुरी साहब के नेतृत्व में कि 900 रुपया प्रतिदिन, 1200 रुपए, 900 नहीं 1200 रुपया प्रतिदिन, वो जो ट्रेनर किसान है उसको हम सरकार की ओर से देंगे। 1200 रुपए प्रतिदिन उसको मिलेंगे और वो आप जैसे किसानों को इकट्ठा करेगा, ट्रेंड करेगा, अपने मॉडल दिखाएगा और प्राकृतिक कृषि से जोड़ेगा। ये हमने यहां अभियान चलाया। अगला, प्रदेश सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम चलाई, प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित है। आपके यहाँ देसी भारतीय गाय तो होंगी ना, बहुत अच्छा, वो वरदान है आपकी खेती के लिए, उसका गोबर गोमूत्र वरदान है।
प्रदेश सरकार ने एक नीति बनाई, जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा और अपने घर में देसी गाय पालेगा उसको प्रदेश सरकार 900 रुपया महीना गाय के रख रखाव के लिए देगी। यानी स्कीम अभी आपके यहां भी चलाएंगे, तो सारा सिस्टम बना करके पूरे उड़ीसा में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा सकता है। और मेरे को ये जानकारी है कि उड़ीसा में अब भी आप लोग बधाई के पात्र हैं, यूरिया डीएपी कीटनाशक इतना प्रयोग नहीं करते। आप बहुत जगन्नाथ की धरती के लोग हो, तुम भले लोग लोगों को कैंसर नहीं बचा रहे, कैंसर से बचा रहे, बीमारियां से बचा रहे, भारत को कंगाल होने से बचा रहे, भारत की धरती को जिंदा आपने बचाया हुआ। तो आप सब यहाँ आए, आपकी यात्रा अच्छी रही ना, सब जगह कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बहुत अच्छा। इसके लिए आप त्रिवेदी जी का बधाई दो और इनका आभार दो, इतनी बढ़िया व्यवस्था की, इतने अच्छे मॉडल दिखाए, इतना प्रधानमंत्री जी का विजन इस प्रदेश के लिए आपने देखा, कितनी प्रगति किसानों में, इंडस्ट्रीज में, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उन्नत है। एक जमाना था कि ये प्रदेश भी उड़ीसा की तरह ही था, लेकिन जब आदमी मेहनत करके लगते ईमानदारी से तो वो सब कुछ खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल देते हैं। तो ऐसा ही आप ऐसे बहादुर किसान यहाँ आए हैं, आप एक लक्ष्य बना के जाओ कि हमने भारत सरकार की नई जो नीति एग्रीकल्चर की आई है प्राकृतिक खेती, अपने उड़ीसा को प्राकृतिक खेती में जोड़ना है, इससे देखना आपका भविष्य बदल जाएगा। और एक कार्यक्रम वहां पर रखिए, मैं उसमें आऊंगा और इस कार्यक्रम से और आगे बढ़ने वाले। तो आप मूंगफली की खेती जब वहां का जलवायु अनुकूल है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से जो आपने सीखा जाना उसको अपने खेतों में बढ़ाओ और खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर मात्रा में करो, प्रकृति को लेकर टेक्नोलॉजी का यूज करो जिससे आपका उत्पादन ज्यादा बढ़े और आप समृद्धि की ओर बढ़े। अब हमारी अगली मीटिंग होगी, मैं पुनः आप यहाँ आए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इस आशा के साथ कि यहाँ जो कुछ सीखने को मिला हो अपने प्रदेश में जाकर के आप व्यवहारिक रूप से लागू करेंगे जिससे आप सबको लाभ हो सके।